आप देख रहे हैं नंबर वन डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। नमस्कार, मैं हूं पारितोष कुमार, आप टीडी न्यूज पर बिहार नीति देख रहे हैं। आज हम आपको फिर से बताएंगे कि बीजेपी क्या कह रही है। दरअसल बीजेपी बोली बिहार सरकार को खास परिवार की चिंता, भाजपा को जनता की सेहत का परवाह, जाने जदयू ने क्या कुछ कहा। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कुढ़नी की चुनावी सभा में तेजस्वी यादव द्वारा लालू प्रसाद के स्वास्थ्य पर दिए भावनात्मक बयान पर कहा कि भाजपा भी लालू जी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती है, लेकिन महागठबंधन की सरकार ने 100 दिन में सूबे के स्वास्थ्य को ही खराब कर दिया है। उनकी चिंता सिर्फ परिवार के स्वास्थ्य की नहीं बल्कि भाजपा बिहार के समस्त जनता के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है। जेपी नेता ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जादू बिहार में अब खत्म हो चुका है। उनके उम्मीदवार का शराब वाला फोटो वायरल हो चुका है, इसकी जांच कराने के बजाय यह उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं। शराबबंदी असफल होने के कारण की समीक्षा कर उस पर काम किया जाना चाहिए, लेकिन लंबी लंबी बातें के अलावा शराबबंदी में कोई उपलब्धि नहीं हुई है। विजय कुमार सिन्हा ने आगे कहा कि इस बार कुढ़नी का जनादेश नीतीश जी को बड़ा संदेश देने जा रहा है। महागठबंधन में भगदर मचेगी, 2023 में इसकी सरकार नहीं रहेगी। वहीं जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने शनिवार को कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क के दौरान कहा कि कुढ़नी में महागठबंधन उम्मीदवार मनोज कुशवाहा की जीत होगी, साथ ही इस उपचुनाव में केंद्र से भाजपा सरकार को हटाने का मैसेज जाएगा। अपने जनसंपर्क में उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि कुढ़नी की जनता 2024 के लिए एक मजबूत संदेश देने का काम करेगी। यहां किसी जाति का समीकरण नहीं बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव की जादुई जोड़ी का समीकरण है। यह बिहार के समावेशी विकास का और सामाजिक सद्भाव का उदाहरण है। उन्होंने कहा कि भाजपा को सत्ता से दूर करके बिहार ने देश को जो संदेश दिया है, कुढ़नी की जनता पर उस पर मोहर लगाएगी। बता दें कि कुढ़नी में 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे और इन दिनों यह पूरा इलाका चुनावी शोर से गूंज रहा है। प्रदेश के तमाम बड़े दल और उनसे जुड़े नेता कुढ़नी की गलियों में घूम रहे हैं। यहाँ रोज चुनावी सभाएं हो रही है। कहीं नेता अपने कहे अनकहे के लिए माफी मांग रहे हैं तो कहीं विवादित बयानबाजी के माध्यम से मोमेंटम अपने पक्ष में करने की कोशिश हो रही है। दरअसल इस विधानसभा से राजद विधायक अनिल सहनी को एमपी एमएलए कोर्ट से अयोग्य ठहराए जाने के बाद उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन यहाँ प्रयोग के तौर पर राजद के बजाय जनता दल यूनाइटेड ने अपना उम्मीदवार मैदान में उतारा है। बता दें कि बीते दिनों चुनाव प्रचार के दौरान कुढ़नी में तेजस्वी यादव ने एक भावुक अपील की थी। उन्होंने बयान दिया था कि लालू प्रसाद यादव ने भी कुढ़नी की जनता के लिए संदेश भेजा है। चुनाव के दिन ही सिंगापुर में उनका किडनी ट्रांसप्लांट होना है। कुढ़नी की स्थिति के बारे में पूछा तो मैंने कह दिया जीत रहे हैं। तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे और आप देखते रहे टीडी न्यूज। नमस्कार।